एलडीए सूबाई दारुल हुकूमत की सड़कों की तामीर मुरम्मत का काम खुद करेगा। कमिश्नर और डीजी एलडीए मोहम्मद अली रंधावा ने स्टॉल प्लांट को जल्द से जल्द फंक्शनल करने की हिदायत कर दी है। देखिए जैनुल आबिदीन की रिपोर्ट। कमिश्नर लाहौर और डीजी एलडीए मोहम्मद अली रंधावा की जेर सदारत इजलास वन विंडो सेल के तमाम अमले और मुतालिका डायरेक्टर्स की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। मोहम्मद अली रंधावा ने वन विंडो सेल का दौरा भी किया। मोहम्मद अली रंधावा का कहना था कि मुसलसल फॉलोअप और बेहतर हिकमत अमली से वन विंडो की पेंडेंसी में वाजे कमी आई है। असल मकसद आम शहरियों को रिलीफ देना और बेहतर सर्विसेज फराहम करना है। मोहम्मद अली रंधावा ने एक और इजलास की सदारत भी की। चीफ इंजीनियर एलडीए और चीफ इंजीनियर टीपा ने एम एंड आर डायरेक्टोरेट के क्याम पर ब्रीफिंग दी। एम एंड आर के क्याम से एलडीए सूबाई दारुल हुकूमत की सड़कों की तामीर और मुरम्मत का काम खुद करेगा। दस्तयाब वसाइल और मशीनरी इस्तेमाल की जाएगी। पैच वर्क, साइन बोर्ड की मुरम्मत और बहाली, कर्ब स्टोन्स की फिक्सिंग एंड पेंटिंग और दीगर काम भी एम एंड आर सेक्शन करेगा। कमिश्नर और डीजी एलडीए ने अस्फाल्ट प्लांट को जल्द अज जल्द फंक्शनल करने की हिदायत की है। कैमरा टीम के हमरा जैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़।